हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो कहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कब आपका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिक्रूटमेंट 2022। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे दिए गए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, और नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं SCED। आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज वेरियस है, स्टार्टिंग डेट आपका डेट जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, तो अप्लाई कर पाएंगे आप 23 को, आप फरवरी को आपका लास्ट डेट होगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए। आपको जॉब लोकेशन बताया गया है अक्रॉस इंडिया में, और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए वो बताया गया है, 10th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आपका 10th पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, 18 to 32, मतलब मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 32 होना चाहिए आपका। और यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे, ट्रेड टेस्ट भी होंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मतलब पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर ट्रेड टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और आपको यहाँ पे सैलरी भी बता दी गई है, यहाँ पे सैलरी भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेंगे वो जनरल एंड OBC कैटेगरी वालों के लिए कोई फ़ी नहीं है, ना ही ST/SC वालों के लिए है, मतलब आपका एप्लीकेशन फ़ी है बिल्कुल। और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप लिंक में जाके। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन अगर देखना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई ऑफलाइन दिया गया है, आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वैकेंसीज दी गई हैं, आपका 23 पोस्ट हैं पूरे। और आपको यहाँ पे सैलरी बताई गई, एज लिमिट यहाँ पे बताया गया है 18 to 37। और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो बताया गया है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से यहाँ पे नीचे दिया गया है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना चिपकाना है एक, और यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कौन सी, नेशनलिटी, आपको परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस देना है, आपको डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको बताने, अगर आपको एक्सपीरियंस है वो बता देने हैं, आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो आपको ऐसे ही अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।